शहर को स्मार्ट सिटी बनाए जाने को लेकर आज नगरपालिका अध्यक्ष व गुना विधायक पन्नालाल शाक्य ने संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में नगरपालिका अध्यक्ष ने 26 जनवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा दिए गए उद्बोधन में गुना शहर को स्मार्ट सिटी बनाए जाने की बात को दोहराते हुए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। साथ ही शहर में अपने द्वारा किए गए कई प्रकार के कार्यों को यहां सलूजा ने गिनाया। वहीं गुना विधायक पन्नालाल शाक्य ने उनके द्वारा मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्रों के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने गुना जिले को संभाग बनाए जाने की मांग के साथ साथ गुना में रिंग रोड व सब्जी मंडी संबंधित मांगों को बताया। साथ ही गुना में बनने वाले स्टेडियम के बारे में दोनों महानुभावों ने यहाँ भी बताया। चार किलोमीटर की परिक्रमा भी हम स्मार्ट सिटी में शामिल करेंगे, टेकरी की परिक्रमा के लिए स्मार्ट सिटी में हम शामिल करेंगे। तालाब के लिए कुछ हो रहा है जो शहर का एक मैं बात करूँ ना, फिर आप पहुंचे सीहोर के जनप्रतिनिधि और आरोन के हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष समी के पन्नालाल जी के सहयोग से करोड़ों रुपए की राशि से सिरोन से लेकर गुना भंडनपुरा के बाईपास तक एक सुंदर सड़क का निर्माण कार्य माननीय विधायक जी के सहयोग से हुआ है। वो करोड़ों रुपए की राशि से हुआ, क्योंकि माननीय विधायक जी का पार्ट आरोन के बरखेड़ा से पहले से शुरू हो जाता है, वहां से लेकर भुल्लनपुरा के चौराहे तक एक सुंदर सड़क का निर्माण कार्य करोड़ों रुपए की राशि से हुआ है। उसमें नगर पालिका सुंदर लाइटें लगाने जा रही है, हड्डी मिल अंबेडकर नगर जिसको हमने नाम दिया है, हड्डी मिल अंबेडकर नगर से और बुल्लनपुरा चौराहे तक हम सुंदर लाइटें लगा रहे हैं, जिससे एक नए लुक आएगा। इंदौर में काम हो रहा है, वही काम गुना में होगा। शहर में बस स्टैंड के लिए 5 हेक्टेयर जमीन हमको ट्रांसपोर्ट नगर के सामने अलॉट हो चुकी है, हम बाहर बसें ले ट्रांसपोर्ट नगर के सामने बस स्टैंड ले जा रहे हैं और बसें भी 1 महीने के अंदर हमारी बसें आने वाली है। हमारा पैसा आ गया है, कमला बस सर्विस वालों को हमने 80 लाख रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं, 80 लाख रुपए बसों के आ गए हैं, हम बहुत जल्दी 2-3 दिन में उनको ट्रांसफर कर रहे हैं राशि। इसी मामले में लेकर पहले विधायक जी ने भी थोड़ा सा बोला था कि वहाँ पे बाहर ना करें हम। नहीं नहीं, मेरा वो सुनो, वो डिपो बनाएंगे हम, वो डिपो बनाएंगे, बस स्टैंड जज्जी में ही है, हम डिपो बनाएंगे वहाँ, हम डिपो बनाएंगे। और ट्रांसपोर्ट नगर के भी हमने 700 प्लॉट 3500 रुपए फुट में जो 1990 में दिए थे हम उसको भी कर रहे हैं, और 225 प्लॉट हमने मौके पे जाके 3500 फुट में नाप के दे दिए हैं। उसमें हम एक सुविधा कर रहे हैं कि बनाने के लिए पानी का कनेक्शन ले लें, बिजली का कनेक्शन ले लें और 1 महीने में अपनी दुकानें बनाएं, और बाकी प्लॉटों को हम बहुत जल्दी अलॉटमेंट कर रहे हैं। ये 225 बन जाएंगे, उसके बाद में बाकी 225 फिर 225 में अलॉट कर देंगे। किसी की कोई भी प्लॉट हम कैंसिल नहीं कर रहे हैं, उनको सुविधा दे रहे हैं, नल कनेक्शन लें और बिजली का कनेक्शन लें, वो हम देने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं।